छन्न को रुकम तेरी ये जाने फल नहीं पाएगी। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवार चल जाएगी। अगर ये शादी होगी रुकम खून की नदियां बह जाएंगी, नदियां बह जाएंगी, नाले बह जाएं, ये शादी कदाब नहीं होगी। मेरे वक्त तो बात बढ़ गई। रुकम में पंडित नाई को बुलाकर चंदेरी के दादा शिषपाल को टीका भेज दिया। बूढ़े बाप की नहीं चली। ये लड़की इनको पता लगो रुकमणी की सहेली इनको रुकमणी को टीका गाओ तो ये लड़कियां बैठी चंचल होती भाजी नहीं। रुकमणी रुकमणी बाहर निकलो मेरे मोमी ठोकरा वो इनाम इकराम दे दो। मैं खुशखबरी सुनाने आई हूं। कहने लगी हमारे प्रिय शिष्य और भांजे उपदेश चेतन मेरे गले माला अर्पण करके 500 मुद्राओं से सम्मान करते हैं। भगवान इस बच्चे को बहुत बुद्धि प्रदान करे जो मेरे नाम को रोशन करता रहे। मेरे भाइयों लड़कियां कहने लगी मैं खुशखबरी सुनाऊंगी तो रुकमणी बोली मो मीठू कराए दी इनामों दे दी खुशखबरी बता। लड़की बोली जिससे दिग्पाल कांपते दिग्गज दहलाते कमर ठकुलाते हैं ऐसे महान वीर शिषपाल का भगवान ने तेरा जोड़ा जोड़ दिया। हाय दैया जो शिषपाल को नाम सुना। रुक्मणी जहां खड़ी थी वही कलेजे को थाम के बैठ गई बोली दीदी यही खुशखबरी थी। अरे इसके बदले में तुम्हें मौत की खबर सुना देती जिससे दिग्पाल कांपते उससे मैं भी थर्राती हूँ। अरे बहना पापी शिषपाल का नाम न ले मैं तेरे हाथ खाती हूँ। और क्या बोली इनाम चाहती इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाए। दीदी बात सही निकली तो मेरी लाश मिलेगी और तू हमारी चमड़ी उतार के अपने पैर की जूती बनवा लेना। एक लड़की बोली बहना शिषपाल में क्या कमी है जो बगु नाम सुन के रोने लगी। रुक्मिणी बोली बहना मैं कमी नहीं बता रही पति तो वही होता जिसके लिए दिल में जगह हो और दिल में जगह नहीं तो हमारे भले ही पड़ जाए वो दूल्हा हो ही नहीं सकता। एक लड़की बोली दिल में जगह कब होती है। कहने लगी सुनो दीदी दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती है। दीदी दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती है। जो प्रीति रीति की धारा
मैंने श्याम को दे दिया, दूसरा दिल कहां से लाऊं जो शिषपाल को दे दूं। प्यार उसे कीजिए जो है प्यार के काबिल, और हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। चूल्हा में धर के जला दूंगी दीदी, जो हर किसी पे चला जाए। मेरे भाइयों, लड़कियां असमंजस में पड़ गई, चंदेल राज शिषपाल ने टीका स्वीकार कर लिया। बंटू यादव नंगला रमई के रुक्मिणी मैया की शादी पर मुद्राओं का हार हमारे गले में डालकर सम्मान करते हैं। भगवान जब बच्चे को बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करे। ये सौरभ यादव सुलभ संजू नंगला रमई के रहने वाले हैं। गुरुदेव जी के गले में नोटों का हार पहना के सम्मान करते हैं और समस्त स्टाफ को 20-20 रुपए सम्मान करते हैं, और कल बनने वाली महिलाओं को सम्मान किया जाएगा। कल बनने वाली महिलाएं बाहर आ जाए, बाहर आ जाओ बेटी, जल्दी आ जाओ, रुक्मिणी मुसीबत में है, जल्दी आ जाओ। धीरेन्द्र सिंह यादव ग्राम लोधीपुर, श्रीमती गुड्डी देवी, ये 501 मुद्राएं देकर हमें सम्मानित करते हैं। अजय यादव के बुआ फूफा जी, ये सभी शिष्यों का भी सम्मान करते हैं। भगवान सुखो शांति दे। भाइयों, ये लड़कियां कल सुबह जल्दी निकलें, जल्दी निकलो बेटियों, जल्दी। शिषपाल ने टीका स्वीकार कर लिया है, चारों तरफ पत्रों का वितरण कर दिया। मगध राजा जरासंध सेना लेकर शिषपाल की बारात में दंतवक्र भूसभा, जयद्रथ, अंगरक्षक कर्ण, दुर्योधन, सौ भैया शिषपाल की बारात में, पांचों पंडवा शिषपाल की बारात में। बराचरी कुंदनपुर में आई, जन्माशा बता दिया। जब रुक्मिणी को पता लगा कि शेर की खुराक गीदड़ खाने को आ गया, मेरे भक्तों आंगन में बैठ गई, घुटनों में मुंह छुपा करके फपक फपक के रोने लगी। कन्हैया, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, मेरे भाइयों कैसे रो रही है। दीन बंधु भगवान सुनो दे कान अरजन के मेरी, दासी मऊ दीना नाथ रे के लगाई जइयो फेरी। Oh,
अग्नि टकरा रही है, तब तक सदानंद नाम के ब्राह्मण आ गया। सदानंद नाम के ब्राह्मण, बेटी क्यों रो रही हो? सारा नगर दुल्हन की तरह सजा है, तुम्हारी शादी है। जब किसी की लड़की की शादी होती है वो मनी मन में कितनी खुश होती है, तुम्हारी तरह नहीं रोती। रुक्मिणी कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मेरा भैया मेरी शादी शिशुपाल के साथ कर रहा है। मैं भगवान यदकुल भूषण कन्हैया को मन का मीत बना चुकी, कम्बल बिछा के हाथ जोड़ के बोली, हे ब्राह्मण देवता, भगवान ने हमें तन वर दिया है, आप हमें कृष्ण वर दे दो। सदानंद ब्राह्मण कहने लगे, मतलब मेरी चिट्ठी मेरे द्वारकाधीश कन्हैया तक पहुंचा दो, मैं जीवन में एहसान को नहीं भूलूंगी। ब्राह्मण कहने लगा, चिट्ठी लिखो, मैं जाऊंगा चिट्ठी देकर के आऊंगा, और हमारी अगर चली तो कन्हैया को साथ ही लेके आऊंगा। कलम दवात कागज को लेकर अपने हृदय सम्राट यदकुल भूषण ये बच्चा आयुष हमारे गले में मुद्राओं का हार डाल रहा है। भगवान जब बच्चे की बहुत बड़ी उम्र हो, ये विमल यादव सनोपुर राधेश्याम नंगला रमेक रहने वाले हैं, गुरुदेव जी के गले में हार पहना के सम्मान करते हैं, और समस्त स्टाफ को 50-50 रुपए सम्मान करते हैं। इधर उदयवीर सिंह सनोपुर नवरतन सिंह दद्दा ये 20-20 रुपए समस्त स्टाफ को सम्मान करते हैं। कल बनने बहनी बहनाओं को सम्मान किया गया है, भगवान सद्बुद्धि प्रदान कर, संतों को भी सम्मान किया गया। मेरे भाइयों, अब कागज कलम दवात लेकर के चिट्ठी लिख रही है, क्या लिख रही? मनमोहन, मनमोहन जिनके मन में मोह नहीं है वो है मनमोहन। मदन मोहन जिनमें न मद है न मोह है वो मदन मोहन। जरा चिट्ठी देखना, मनमोहन मनमोहन ही जो सबको भेद छुपाती में राजा किसनी से आए हैं, मैया रानी की शादी में मुद्राओं का हार डाल रहे हैं, भगवान उनको बहुत शक्ति प्रदान करे। अकेले में 5 मिनट को
तो दासी तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी। पत्र दे दिया ब्राह्मण को, ब्राह्मण दोरका में आते हैं, यादवों का दरबार लगा है। कन्हैया को पत्र दिया, कन्हैया ने पत्र पढ़ा। उग्रसेन बोले, क्या है कन्हैया, चिट्ठी कहाँ की? कहने लगे, नाना श्री विदर्भ देश के राजा भीष्म की लड़की रुक्मिणी मुझे आत्मा की गहराइयों से प्यार करती है, आपकी क्या आज्ञा? उग्रसेन कान लगे, जाओ रुक्मिणी जैसी लड़की को बहू बना के द्वारका में लाओ। सोई ब्राह्मण से भगवान बोले, ए ब्राह्मण ते बताओ जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता। पीछे बलराम सेना को लिए आंधी की तरह, तूफान की तरह आ रहे हैं। आ गए विदर्भ देश में, चौबाड़ी में भगवान ने बरात को रोक दिया। और ब्राह्मण से कहा, जाओ रुक्मिणी से कह देना घबराए नहीं, शेर की खुराक गीदड़ नहीं खा सकता। चल रही और लोगों ये रुक्मिणी को कल नहीं पड़े, कल नहीं पड़े, क्यों छत पर चढ़ जान, क्या नाम, सत्य प्रकाश यादव, नंगला रमई के भगवान कन्हैया को रथवाई और चौबाड़ी में ये 501 रुपया भगवान यदकुलभूषण कन्हैया के नाम पर दे रहे हैं। भगवान इनको सुखो शांति दे। तो मैंने आपको बताया कि रुक्मिणी को कल नहीं पड़े। कहूं छत पर चढ़ जाए, कहूं नीचे उतर आए, कहूं फिर छत पर चढ़ जाए, कहूं फिर आंगन में आ जाए, उन्हें कल नहीं पड़े, कल नहीं पड़े। जय सोचे जन ब्राह्मण पहुंचे हुए हैं, जन नहीं पहुंचे हुए हैं, जन दीनानाथ आते हुए हैं, जन नहीं आते हुए हैं, सोचे नहीं पड़े। कहूं छत पर चढ़ जाए, कहूं आंगन में आ जाए, कहूं फिर ऊपर चढ़ो। और ब्राह्मण आए, आप आ गए, आ गया बेटी। और वो आए ब्राह्मण कान लगे, बेऊ आई और बेऊ आई, और को आओ। जवाब दिया, तुम्हारी जेठ बलराम जो समय पर तुम्हारे पिया की मदद करेंगे। और बिटिया चौबाड़ी में बरात रुकी है, दो दूल्हा एक दुल्हन बिना झगड़ा बहु ना बचे। तासो पूजा के बहाने चुप कहीं सरक जा, मंदिर में मिल जाए और रथ में बैठियो, रफू चक्कर हो जाइयो। जो कह के गई तो खून की नदियां बही। रुक्मिणी कान लगी, ठीक है मैं चली जाऊंगा। मेरे भाइयों, ब्राह्मण चले गए, रुक्मिणी सोले श्रृंगार करने लगी। ये शिशुपाल की बरात में रहे पंडवा, पंडवन पता लग गया कन्हैया की बरात आएगी। सोने शिशुपाल की बरात छोड़ी, अपना बोरी बिस्तरा उठाओ, भगवान की बरात में घुस बैठे, डबल नाश्ता ले रहे। रुक्मिणी सोले श्रृंगार करके चौमुखा दिया लस सोने की थाली में धर के चली। सोई रुकम आएगा, कहां जा रही है, कहां जा रही है तू?
रुक्मिणी बोली भैया पूजा करने हकला क्यों रही अकेली नहीं जाएगी। ए 1500 जवान तैयार हो जाओ और मेरी बहन रुक्मिणी को पूजा करा के लाओ। लोग 1500 पट्टा तलवार भाले बंदूक लेके तैयार। बीच में राजकुमारी चारों तुम नौजवान उंगली भाला घुमाए रहे परिंदे ऊपर न मार पाए। आइए मंदिर रुक्मिणी मंदिर में घुसी और 1500 पट्टा एक लाने इधर एक लाने इधर बीच का रास्ता राजकुमारी खाली। भगवान का नैया को पता लग गयो आई गई तो जाई जुगाड़े पिटारी। तीन खेत को चक्कर काट के सामने रथ खड़ू कर लो। जो रथ खड़ू भाव और रुक्मिणी मंदिर में से निकली और जो कन्हैया पर नजर पड़ी। अरे दैया जो आंख से आंख लड़ी कन्हैया की आंख से आंख लड़ी रुक्मिणी के आंसू निकले और गालन में ढोलक के जमीन पे गिरे। मानो आंसू ने भगवान को इशारा करो हो कि निकलिए एक और बढ़िया। क्या किया करुणा निधान संकेत समझ संकेत रथी को करते हैं थोड़ा रथ और बढ़ा करके चट को मल हाथ पकड़ते कलाई पकड़ ली भगवान मुस्की खुली गई दांत इतने चमकीले कि जितने पट्टा खड़े थे वहां बैठे थे सबकी आंख में झपका लग गया। उनकी आंख में वो झपका तो कन्हैया ने रुक्मिणी धरी रथ में मारो लपका तीन खेत निकल गया। अब उनको झपका खुलो छी पड़े अब बहादुर राजा जरा सिंह हस्तनापुर दुर्योधन दंत भग्र भूर शिवाचस्पाल कन्हैया रुक्मिणी को लेके भाग रहा है। सोई मगध को राजा जरा सिंह सेना लेके भगवान के सामने आएगा। एक भैया आइए मगधराज तुम्हारा स्वागत है। काहे को स्वागत जानना पहचान हम तुम्हारे मेहमान। बरात में आए हम बरात में आए दावत मिल गई। अरे दावत मिल गई ना मिल गई तुम बताओ मतलब जो है दावत न मिली हो तो दावत खाओ घरे जाओ क्यों नहीं जा नंगला रमाई में बराजी पिटत बहुत हो ने कहो रंगबाजी दिखाई तो जे सब रंगबाजी ठाड़े इतने पिटियो घरवाली पहचान न पाए कन्हैया। हाँ तुम्हें शर्म तो है ना शर्म और क्या हम ऐसा काम ही कौन करते जो मुझे शर्म होनी चाहिए। एक बात बताओ जो रुक्मिणी को कहां लेके जा रहे हो। रुक्मिणी को हम लिए जा रहे हैं और एक हाथ से ताली कोई बजा नहीं सकता और लड़की की राजी नहीं है तो उसे कोई भगा ही नहीं सकता। लड़की की राजी नहीं है तो उसे कोई भगा नहीं सकता ये सोच लो। बातें तो तुम पेट में कर भी चुकी है पता नहीं क्या बात है। रुक्मिणी को उतार दो पतली गली से निकाल जाओ सीधे आगरा के लिए न मारे जाओगे बता रहा हूं। अरे हिम्मत है तो बढ़ के आ जा हम रुक्मिणी को लेकर जाते हैं उनसे लड़ना हो तो लड़ना पीछे इतना कहकर श्याम ने झटकी रथ की डोर मार मार की अब धुनी गूंज गई चौंकोर
पैदल से पैदल, अश्वार से अश्वार, तलवार भाले बंदूक की चटकने लगी, लाश गिरने लगी और आते लटकने लगी। ये श्रीमान सर्वेश कुमार नगला रमई के रहने वाले हैं। गुरुदेव जी के गले में एक नोटों का हार और एक पगड़ी और एक से एक रुपए सम्मान करते हैं। भगवान भैया को सदबुद्धि प्रदान करें। मेरे भैया भिड़ गई सेना, बलराम ने हल मूसल लेकर मूसलो राजा जरासंध हस्तिनापुर नरेंद्र दुर्योधन दंतवत भूरशिवा शिशुपाल मैदान छोड़ के भाग गया।